कभी बट सॉन्ग रे जो कभी मचल का मन ना डान समझ मने माफ कर मन बटे जो कभी भी फोन तारे वाले नान में मत मेरा साफ कर। अस्सलामुअलैकुम गाइज, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में जिक्र किया था कि बहुत ज़्यादा डाउन है, बिजली के बिल जो है लोग भर नहीं पा रहे। तो वो जो वीडियो थी वो सिर्फ एक इंसानियत के लिए थी कि लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो गया। पाकिस्तान अपनी जगह पर महफूज है और वो एक आज़ाद रियासत है और वो बिल्कुल ठीक अपना काम कर रहा है। बस थोड़ा सा टाइम फॉल हुआ जिसकी वजह से गरीब आवाम जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। उस चीज़ को लेके मेरे इंडियन कुछ व्यूवर्स से जिन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कमेंट्स दिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए उस चीज़ पर। वो कमेंट्स मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें बहुत से कमेंट्स ऐसे थे कि जिनका मैं सोच नहीं सकता। कुछ लोगों ने गालियाँ भी दी हुई थी पाकिस्तान को और ये कहा हुआ था कि हिंदुओं के साथ ऐसा करोगे तो यही होगा। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। और अगर वो आप वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल मेरे इसी व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो जाकर देखें और उसके कमेंट्स को भी देखिएगा। तो मेरा कहने का सिर्फ मकसद यही है कि किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन अच्छी नहीं है। हम लोग यहाँ पर सब एक हैं और बिल्कुल हमारे रिलीजन अलग हैं, लेकिन हम लोग एक हैं इंसानियत के नाते, हम लोग एक हैं। और वो वीडियो भी इंसानियत पर बनी हुई थी। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर इंडिया के लोग जो हैं हमारे साथ एक ही रहते हैं। जो लोग यहाँ दुबई में आ गए हैं वो हमारे साथ रह रहे हैं मुसलमानों के साथ या पाकिस्तानियों के साथ, उनको पता है कि हम लोग किस तरह के लोग हैं। वहाँ पर रहकर बहुत ही अजीब पिक्चर पाकिस्तान की जो है ना वो प्रोमिनेंट की गई है इंडिया के अंदर, लेकिन जब वो यहाँ हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, तो वो ख़ुद भी बहुत हैरान है कि हमारे कंट्रीज़ में जो है आप लोगों को बहुत अजीब दिखाया गया है, शायद टेररिस्ट और इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो ऐसा है नहीं। तो ये कंसेप्ट हमें सोशल मीडिया के ज़रिए सबसे पहले क्लियर करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर जा के एक दूसरे के कंट्रीज़ को बुरा कहने के बजाय उनको और करीब लाना चाहिए। तो हम जितने भी व्लॉगर्स हैं सोशल मीडिया पर, इन कंट्रीज़ को हमें मिलाना चाहिए, ना कि और ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाकर इस चीज़ को और ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहिए और ज़्यादा बुराई की तरफ लेके जाना चाहिए। सेकेंडली, हमारे हुक्मरानों का इशू है तो उस पर मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं मिसाल समझा सकता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक बादशाह ने कुछ जंगल से आवाज़ें सुनी, कुछ गीदड़ों की आवाज़ें आ रही थी, जिसको सुनने के बाद उसने अपने वजीर को कहा कि जाकर देखो। वजीर ने बगैर देखे कह दिया कि उनको भूख लगी है, उनको खाना चाहिए। तो बादशाह ने उसको बोला कि ये खाना जाकर इन जानवरों को दे दो, इन गीदड़ों को दे दो ये खाना। उसके बाद वजीर ने वो खाना जाकर उनको देने के बजाय अपने ही लोगों को दे दिया। फिर दोबारा से अगली रात फिर गीदड़ों की आवाज़ आई और बादशाह ने फिर वजीर से पूछा कि ये आप क्यों चिल्ला रहे हैं। तो वजीर ने ये बात कही कि इनको कपड़े चाहिए। बादशाह ने फिर ऑर्डर जारी किया कि इनको कपड़े दो। फिर उसने कपड़े अपने लोगों में, रिश्तेदारों में बांट दिए। उसके बाद फिर अगले दिन जब गीदड़ों के चीखने की आवाज़ें, बादशाह ने फिर बोला कि हमने इनकी सब ख्वाहिशें पूरी कर दी हैं, तो जंगल में जाके देखो। तो वजीर ने उस पर कहा कि वो तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बादशाह सिर्फ वहीं से बैठ के खुश हो जाता है और हमारे वजीर क्या करते हैं। तो बात कहने की ये है कि हमें खुद समझना है एज अ कौम कि हम लोग किस रास्ते पर हैं। और मेरे इंडियन भाई जितने भी नाराज़ हैं पाकिस्तान से, वो ना रहें और इस नाराज़गी को इस व्लॉग में आप लोग दूर कर सकते हैं कमेंट्स करके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।